आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबको आसान तरीके से काम करने की जल्दी है। ऐसे में तेजी से बदलते समय के साथ बैंकिंग क्षेत्र में भी कई बड़े बदलाव हुए हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। क्रेडिट कार्ड के जरिए लोग पहले शॉपिंग करते हैं और फिर कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। कई बार लोग क्रेडिट कार्ड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि उसका बिल चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट समय पर ना करने पर सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। ऐसे में क्रेडिट स्कोर खराब होने के बाद आगे हमें कहीं भी लोन लेने में परेशानी आती है। क्रेडिट कार्ड बिल ना चुकाने की स्थिति में ग्राहकों को भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड कंपनी ग्राहकों से बिल ना चुकाने की स्थिति में करीब 40% तक सालाना जुर्माना लेती हैं। ऐसे में यह एक कर्ज के जाल की तरह हो जाता है जिसमें ग्राहक फंसता ही जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस गए हैं तो सबसे पहले अपनी कुल राशि को ईएमआई में बदलें। एक साथ बड़ी राशि को जमा करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से बड़े बैंक क्रेडिट कार्ड की राशि को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। इससे ग्राहकों को बिल चुकाने में आसानी होती है, साथ ही इस पर ब्याज भी कम लगता है। ज्यादातर लोगों के साथ यह दिक्कत होती है कि क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज्यादा ब्याज लगता है। ऐसे में बिल चुकाना उनके लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल को कम ब्याज दर वाली कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। कई बार बहुत सी कंपनियां किसी पुराने क्रेडिट कार्ड के बिल को ट्रांसफर करने की सुविधा देती हैं। ऐसे में आप पुराने कंपनी के लगने वाले अतिरिक्त ब्याज से बच सकते हैं। लेकिन किसी नई कंपनी में क्रेडिट कार्ड बिल ट्रांसफर करने से पहले उसके चार्ज और फीस के बारे में सही तरीके से जरूर पता कर लें। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज से निकलने के लिए पर्सनल लोन का ऑप्शन चुन सकते हैं। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड का बिल ना चुकाने की स्थिति में आपको इस पर करीब 40% तक ब्याज देना पड़ सकता है। ऐसे में आप सबसे पहले पर्सनल लोन लेकर पहले बिल चुका लें, इसके बाद पर्सनल लोन धीरे धीरे अदा करें। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।